जय श्री राम। वेल, चित्रकूट, चित्रकूट का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में ख्याल आता होगा रामायण का। तो चित्रकूट ऐसा धाम है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास में 11 वर्ष यहीं पे व्यतीत किए थे। और यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल यानी है, जैसे भरत मिलाप, फिर आपके माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों को बच्चे के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद और सभी जो पौराणिक स्थान हैं, तो पूरा चित्रकूट के बारे में भ्रमण कराऊंगा, कैसे कैसे आना है। वैसे तो हम लोग प्रयागराज से आए हैं और चित्रकूट के बारे में पूरी डिटेल, वैसे तो भौगोलिक स्थानों में इसको बताता हूँ। इसका भौगोलिक स्थान चित्रकूट 70% आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है और 30% जो है आपका मध्य प्रदेश के सतना जिले में से सटा हुआ है और मंदाकिनी नदी के किनारे ही आपका पड़ता है। तो सोबेल आगे तक देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और कितना टोटल कास्ट आएगा चित्रकूट विजिट करने में, तो आगे चलकर दिखाया जाए। हम लोग सबसे पहले राम घाट चूज किया, यहाँ पे जो है मंदाकिनी नदी है और यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि प्रभु श्री राम जी जब वनवास हुआ था तो यहाँ पे आके स्नान करते थे, इसलिए राम घाट इसका नाम पड़ा। और काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे जो नैया का डेकोरेशन किया गया है और नदी उस पार करने के लिए ब्रिज भी बनाया गया है आपका। देख सकते हैं इस समय जो है रात के 3:30 बजे है इस समय और पूरा शांति का माहौल फैला हुआ है और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ की नैया जो है काफ़ी ज़बरदस्त हमें लगी, डेकोरेशन फुल। और देखिए यहाँ पे इसमें घर भी बनाए हैं लोग और साउंड्स भी इसमें रखे हैं और पूरा। और इधर भी आपका ब्रिज है और एक ब्रिज उस साइड भी है और मैं खोज रहा हूँ हनुमान जी को, यहीं कहीं है आसपास में ही बैठे हुए हनुमान जी। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित प्राचीन शिव मंदिर श्री महाराज राजाधिराज मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर रामघाट, राम घटा के मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा लिया हम लोग। और पानी आप लोगों को पीला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग पानी की टेंशन न लीजिए, पानी बहुत ही स्वच्छ है। नीचे का तली जैसा रहेगा वैसा ऊपर का पानी दिखता है, अगर नीचे ब्लू कलर रहेगा तो ऊपर पानी ब्लू दिखता है। तो पानी एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके बाद जो है भ्रमण कराता हूँ मैं रामघाट क्या क्या है यहाँ पे। तो पीछे मेरे जो है पवन पुत्र हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले चला जाएगा। देखते होंगे आप लोग जो हनुमान जी हैं, देखिए यहीं पे हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ का जो मंदाकिनी नदी का जल दिखाता हूँ, ऐसे पीला पीला आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन पीला जल ऐसे दिख ही रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में मेरे चाप, बहुत साफ पानी है। अगर पब्लिक चाहे तो और साफ हो जाए, इसमें देख रहे हैं बहुत लोग शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं और नीचे जो है डस्ट भरा है। तो यहाँ पे पानी आप भी देख सकते हैं कितना साफ पानी है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यानी प्रभु श्री राम। यहीं पे जो है भगवान राम जी ने दर्शन दिया था तुलसीदास को। राम घाट पर स्थित भगवान मृत्युंजय गजेंद्र जी शिव जी की अत्यंत प्राचीन मंदिर जहाँ पर यहाँ पे। और देखिए संतन की भीड़ पड़ी है इधर, और इधर जो है आपका दो मंदिर है, एक यज्ञ वेदी मंदिर है और एक जो है पर्णकुटी मंदिर, और काफी ऊंचाई पे है यानी यहाँ से। ओह माय गॉड, और इधर देख सकते हैं भगवान तुलसीदास जी का प्रतिमा है। यहाँ पे देखिए प्राचीन सिद्ध पीठ तुलसी गुफा, तोतामुखी हनुमान दर्शन प्रवेश द्वार, भरत मंदिर यहाँ पे है, ये जो देख रहे हैं आप भरत मंदिर। और वहाँ पे जो है पवन पुत्र हनुमान जी यहाँ पे भरत मंदिर। अभी तो हम लोग इतने पहले आ गए कि सब मंदिरें बंद हैं,
और देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको मंदिर में घुसना पड़ेगा। और इधर जो है प्राचीन सिद्ध पीठ तुलसी गुफा, तोतामुखी हनुमान दर्शन। तो पता नहीं इधर गुफा है कि नहीं है, अभी तो सब बंद पड़ा है, सभी कपाट जो है बंद है। और कुछ एक लुक जो है ऊपर से देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए संत श्री भैरवदास बाबा विराजमान है। या तो पुल के जो है एकदम लास्ट छोर पे इधर भी घाट है आपका, और इधर मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है आप इसे नहीं मालूम, और इधर भी। तो हम लोग चलेंगे, देखिए हनुमान जी वहाँ पे चले गए। और यहाँ से कुछ जो है रामघाट का अद्भुत नज़ारा, बहुत ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है इधर, और काफ़ी पुराना ये ब्रिज भी लग रहा है। श्री अन्न क्षेत्र, अब हम लोग आ चुके हैं हनुमान जी के पास। और दूर से बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जा रहा हूँ वैसे वैसे हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें देखिए किसी महंत जी का समाधि स्थल है, और हनुमान जी यहाँ पे। जय श्री राम। तो यहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है आपके मध्य प्रदेश में है, और उधर जो है मंदिर यानी नदी के उस पार मंदाकिनी नदी के उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका SDOP ऑफिस चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। तो आपके नदी के इस साइड जो है आपका मध्य प्रदेश, मैंने पहले ही बताया था कि चित्रकूट का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 30% आपका नियर अबाउट मध्य प्रदेश में आता है, और 70% उत्तर प्रदेश में। तो इस समय हम लोग जो है मध्य प्रदेश में घुस चुके हैं, और हनुमान जी का राम घाट में हम लोगों ने डुबकी लगाया। और इस समय मैं जो हूँ चित्रकूट मध्य प्रदेश में हूँ, और नदी के उस पार जो है आपका उत्तर प्रदेश का चित्रकूट है, और नदी के इस पार जो है मध्य प्रदेश का सतना का चित्रकूट है। तो और पीछे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी हैं, और इधर जो है तमाम प्रकार की मंदिरें हैं, भरत मंदिर है, फिर आपका तुलसी गुफा इत्यादि है। और इस समय सुबह का हो रहा है, 5 बज रहा है, और इतने ज़्यादा गर्मी अभी से हो रही है, और ये मेरा नेक फैन बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहा है, चल रहा है। और इधर देख सकते हैं नगर परिषद चित्रकूट है सतना जिला का कार्यालय, नगर परिषद चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। और इधर जो है आपका काफी भव्य दिख रहा है, बीच में मंदाकिनी नदी, उस साइड जो है आपकी देखिए ये वाला जो है आपका भरत मंदिर है, और बाकी तमाम प्रकार के मंदिर है। और पानी बहुत ही इस साइड जो है आपका गंदा है, एक छोटका झलुआ झूल रहा है। और आगे देखिए बहुत सारे बंदर हैं, और इधर जो है केका मंदिर, माफ करिए हो प्रभु जी, शनिदेव का मंदिर। और इधर जो है धर्मशाला टाइप का बना है, और बाकी इधर भी। तो आगे भी चला जाता है, देखा जाए क्या है, आए हैं तो घूमा जाएगा, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। ओह माय गॉड, या
इसके आगे जो है आपका कुछ है नहीं उतना खास, और पूरा देख सकते हैं आपका कवरअप। तो बना मत वीडियो मारी हमके का दो तो वायरल हो जी। फोटो खींचा था ब्रिज पे जो है, इतने सारे बंदर इसीलिए इस ब्रिज पे कोई नहीं आ रहा है। इधर देख सकते हैं इसको खुजली हो गई है और ये है चुपचाप बैठा है। हाय दोस्त, क्या हाल है? और ये बड़ी तुम्हें दिक्कत है, बोल रहा हूँ था। और इस ब्रिज पे जो है इन सब बंदरों ने इतना ज़्यादा टॉयलेट किया, इतने ज़्यादा टट्टी किए हैं सब कि कोई हद हिसाब नहीं। और इस पे से आप देख सकते हैं कुछ लोग फाइनली में चित्रकूट, हम लोगों ने चित्रकूट में जो राम घाट है पूरा विजिट किया, उत्तर प्रदेश का भी भाग और मध्य प्रदेश का भाग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर आप लोग चलते हैं, अगला प्लानिंग कहाँ का देखा जाता है।